ये डॉक्टर किसने बुलवाया? मैंने। भाई साहब का इलाज हो तो रहा था भाभी, फिर क्या वजह है? वो जो डॉक्टर अलमास ने बताया था। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप कब अलमास को अपनी बहन समझना शुरू करेंगी। जब वो वाकई में बहन बनकर दिखाएगी और दुश्मन नहीं। अब उसने क्या दुश्मनी दिखाई है आपके साथ या भाई साहब के साथ? अपनी आंखों से खुद देख लो। क्या है ये? डॉक्टर ने कहा है ये जो दवाई तुम्हारे भाई साहब को दी जा रही है इसका उनके बीमारी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि उनके लिए खतरनाक है। तो ये उस हरामखोर की हरकत होगी ना, क्या नाम है उसका, आलमदार, और न जाने क्या क्या गुल खिला रहा होगा। अलमास का इससे क्या ताल्लुक है? उसको भी तो अलमास से रखा है। अलमास अलमास अलमास, हर बात का इल्जाम आपने अलमास को देना होता है। अगर इतने ही बुरे लगते हैं ना आपको मैं और अलमास, तो मैं ये मसला खत्म कर दूंगा। मेरा हिस्सा मेरे नाम कीजिए, मैं अपनी बेगम को लेकर चला जाऊंगा यहां से, नहीं इस हवेली में अपनी बेटी के साथ। तैयार करवाता हूं मैं डॉक्यूमेंट्स वकील को कहकर। इतने अरसे से दादी के साथ रह के आपको दादी की रूटीन तो समझ आ गई होगी। दादी सुबह जल्दी उठती हैं और नमाज पढ़ती हैं। नमाज पढ़ के उसके बाद आपने उनको व्हील चेयर पे गार्डन की सैर करानी है। वहां से वापस आके आपने दादी का शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करना है। ठीक है। दादी पूरे 7 बजे ब्रेकफास्ट करती है और ब्रेकफास्ट के फौरन बाद उनको मेडिसिन देनी होती है। मेडिसिन की जो भी डिटेल है वो मैं तुम्हें लिख दूंगा। 10 बजे के करीब उनका फिजियोथेरेपिस्ट आ जाता है और उसके बाद फिर दोपहर में। लेकिन जब मेरी बच्ची वापस आ जाएगी तो ये रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ओह दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर वो आ जाएगी तो उसके बाद मैं दादी के लिए कोई और केयर टेकर रख लूंगा, कोई इशू नहीं है। ओके। दोपहर को फिर ये होता है कि उनके खाना ब्रेकफास्ट थोड़ा सा देखना पड़ता है, वेजिटेबल्स वगैरह ज्यादा खाती हूँ। और उसके बाद फिर दादी 2 घंटे सोती हैं, शाम में फिर 4-4:30 बजे चाय पीती हैं। देखो मैंने भाभी से बात कर ली है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। अपना मूड तो ठीक कर लो, मुझसे क्यों नाराज हो? वैसे मैं भाभी की किसी बात का बुरा नहीं मना। कबीर, आपने हरीम के बारे में क्या सोचा है? मेरी माने ना तो अब आप उसकी शादी करवा दें। इससे बहुत ज्यादा जबान दराज हो गई है और जितनी बदनामी होनी थी ना हो गई। रुखसत करें उसे इस घर से। चाहता तो मैं भी यही हूं लेकिन इतनी बदनामी और रुसवाई के बाद अच्छा रिश्ता मिलेगा कहां से? आप कहें तो मैं रिश्ता ढूंढूं? ठीक है, मैं भी अब यही चाहूंगा कि जल्द अज जल्द अपने इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं बस। अब आप ये मुझ पर छोड़ दें, आपका ये फर्ज अब मैं पूरा करवाऊंगा। थैंक यू। Thank you so much.
बेटा आसमान को क्या घूर रही हो? तो बस कुछ सवालों के जवाब दिए। आसमानों को यूं घूरने से सवालों के जवाब नहीं मिला करते बेटा। मेरे सवालों के जवाब तो शायद किसी भी तरह नहीं मिले। बेटा मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है। औलाद के खोने का दुख बहुत तकलीफ दे होता है, ये मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम बहुत बाहिम्मत और बहादुर लड़की हो, जहाँ इतनी सारी आजमाइशों से गुजर कर यहाँ तक पहुंची हो। थोड़ा सबर और कर लो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुमसे मेरा कोई जाती रिश्ता तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत अपनी अपनी सी लगती हो। मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता बेटा। नहीं रो, ना रो मेरा बच्चा, तुम्हें रोता देखकर ना मेरा दिल कटता है। दादो अब कम से ज्यादा बेबसी मार देती है मुझे, समझ नहीं आता, अजीब सी दुनिया है। और इस अजीब सी दुनिया की अजीब सी मसलत है। ऐसे नहीं कहते बेटा, हिम्मत से काम लो, तुम्हारी बच्ची जरूर मिल जाएगी बेटा। नहीं रुक, चले चल। हेलो सर, आप रूम में नहीं है इसलिए आपको कॉल किए। मिस्टर इबाद आए हैं हम न्यूज़ से। उनको बोलो मैं एक मीटिंग में हूँ, तो आज तो उनसे मिल नहीं सकता और नेक्स्ट टाइम वो अपॉइंटमेंट लेकर आए। बैठ जाओ बेटा। ऐसे नहीं कहते बेटा, तुम तो बहुत बहादुर बच्ची हो ना। आपको पता है क्या लगता है मुझे? मुझे लगता है कि दुनिया के सारे दुख, सारी आजमाइशें जैसे मेरे हिस्से लिख दी गई है। थक गई हूँ दुनिया की आजमाइशें बर्दाश्त करते करते तक। मेरा बच्चा, ना मेरा बच्चा, छोटी सी उम्र में सब कुछ देख लिया मैंने, झूठ, फरेब, शौहर की बेवफाई तक देख ली। सबसे बड़ी बात अपनों का मकरूज चेहरा देख लिया। लेकिन सह लिया, खुद पे थी इसलिए सह लिया। जब बात मेरी बेटी पर आएगी ना तो एक चीज नहीं सहूंगी। तो पर हर आजमाइश बर्दाश्त कर रही, और अगर किसी ने भी उसे मुझसे छीनने की कोशिश की ना, सच में भी अच्छा। नहीं मेरा बच्चा, नहीं, तुम्हारी बच्ची जरूर मिलेगी। कबीर हरीम की शादी कराना चाहते हैं। चलो अच्छा ही है ना तुम्हारे लिए, शादी कराओ उसकी और अपनी जान छुड़वाओ। आपकी नजर में लड़का हो तो बताइएगा, मैं जल्द से जल्द उसे हफेली से दफान करना चाहती। अभी तो मेरी नजर में कोई ऐसा रिश्ता नहीं, फिर भी देखती हूँ मैं। देखना नहीं है, कोई लड़का हो तो बताएं।
मैं चाहती हूँ कि फौरन उसको यहाँ से रुखसत करके इत्मीनान का सांस लूं। बहुत ही मुझोर हो गई, घर के मामलात हाथ में लेने की कोशिश कर रही। देखो तुम मेरी बात गौर से सुनो, कबीर को अपने कंट्रोल में रखो, बाकी सबको छोड़ दो। आप उसकी फिक्र मत करें, कबीर कहीं नहीं जा रहे, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली मैं इनको, गिन गिन के बदले लूंगी, बस आप देखती जाइए। वैसे तुम्हें दिखाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि कौन सा मुझे तुम्हारी हाँ या ना मालूम करना, लेकिन सोचा कि लड़कियों को बड़े अरमान होते हैं ना अपनी शादी को लेकर, तो तुम भी देख लो। आप अपने रिश्ते अपने पास ही रखिए, और आप होती कौन है मुझे रिश्ता दिखाने वाली। मैं तुम्हारे चाचू की बीवी और इस घर की बहुत जल्द होने वाली मालकिन हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि अपने शौहर की भतीजी को इस घर से इज्जत से रुखसत करूं। ये मेरा घर है और मुझे इज्जत से रुखसत करने वाले अभी जिंदा हैं, तो इसलिए आपको मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और आप ये याद रखिएगा कि आपका लाया हुआ रिश्ते के लिए तो मैं कभी हाँ नहीं करूंगी। तुम्हारी हाँ चाहता कौन है? तुमने जो गुल इस घर में खिलाए हैं ना, उसके बाद तो तुम्हारी हाँ या ना की औकात ही नहीं रही। तुम्हारा तो फर्ज बनता है कि जो भी पहला रिश्ता तुम्हारे लिए हाँ कहे ना, चुपचाप उसका हाथ थामो और इस घर से निकलती बनो, समझी? इसी वक्त निकल जाए यहाँ से आप। और हाँ ये बात याद रखिएगा कि आपका लाया हुआ रिश्ता चाहे करोड़ों में भी एक क्यों ना हो, मैं उसके लिए कभी हाँ नहीं करूंगी। और दोबारा मेरे सामने मत आइएगा, वरना मैं हर लिहाज भूल जाऊंगी। तुम्हें तो मैं देख लू, मालिकन बनना चाहती हूँ, यही ख्वाब देख के आई थी ना इस हवेली में। मेरे बनने के बाद शायद बन भी जाओ, लेकिन लगता है तुम्हें ज्यादा जल्दी है। भूलो मत, जल्दबाजी में अक्सर लोग गिर जाते हैं। तुम जो चाहती हो, जो करना चाहती हो, हमें से कोई परवाह नहीं, लेकिन खैर इसी में होगी कि हमारी बेटी से दूर रहो। इसके सरपरस्त हम हैं, इतनी फिक्र तुम अपनी औलाद की करना जब हो जाएगी। फिक्र नहीं करनी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी प्रिंसेस, इतने से दिनों में मुझे से इतनी मोहब्बत हो गई है। जाहिर है बच्चे होते ही इतने प्यारे हैं। लेकिन एक ना एक दिन तो इसे चले ही जाना है। क्यों, क्यों छोड़ के चली जाएगी? मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। इतना जज्बाती क्यों हो रही हो, शादी नहीं करोगी इसकी? क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब है कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो अपने माँ बाप का घर छोड़कर चली जाती है। नहीं, नूरुलैन शादी के बाद भी मेरे साथ ही रहेगी। क्यों नूरुलैन? अच्छा, तो मतलब ये है कि इसके शोहर को घर दामाद बनाने कह रहा था, जैसे मुझे बनाया था। आशिम,
बाबा ने कभी तुम्हें दामाद नहीं समझा, बल्कि तुम्हारी खुलूस और मोहब्बत देखकर उन्होंने अपनी प्यारी सी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी। हम नूरुलैन के लिए भी ऐसा ही शौहर ढूंढेंगे जिससे मोहब्बत करे, और सबसे बड़ी बात जो सच्चा हो। फिर देखना, वो हमें नूरुलैन से कभी भी जुदा नहीं करेगा। ये तुम मेरी तारीफ कर रही हो अपनी बेटी की? जो समझना है समझ लो। दादू, अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर को बुलवाऊं? नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक है, जरा सी खांसी है, सिरप पीऊंगी ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये बात अभी तक नहीं आया? अभी तक तो नहीं, लेकिन फोन करके पूछ लेती। दादू कैसी हैं आप? दादू आई एम रियली सॉरी, आउटडोर रेट थी और आपको पता है ऐसे कामों में देर तो हो ही जाती है। कैसी हैं आप? क्या हुआ इन्हें? फ्लू, मेडिसिन दी है मैंने, सुबह तक आराम नहीं आया तो फिर डॉक्टर को बुलवाऊंगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सी खांसी है, सिर्फ पीऊंगी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। इसने सुबह से बिल्कुल आराम नहीं किया, सारा दिन मेरे साथ लगी रही है। अब जाके कमरे में आराम करो बेटा। अरे नहीं दादी, यहाँ आपके पास रहूंगी ना, आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे बता दिएगा। बेटा मुझे इस तरह तुम्हारा सोफे पे सोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं ठीक हूँ, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं बेल बजा दूंगी या आवाज दे दूंगी। अब जाओ अपने कमरे में आराम करो। ठीक है दादी, शब खैर। शब खैर बेटा, जीती रहो। कहाँ खो गए बेटा? जी कहीं नहीं, आपके पास से गरी। मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ बेटा कि तुम बहुत चुप चुप और खोई खोई से रहते हो। सब ठीक तो है मेरा बच्चा? सब ठीक है दादी। बेटा मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाए और इस उदास और वीरान घर में खुशियों की शादी आने बचे। बस मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में मैं तुम्हारी खुशियां देखूं। दादो बहुत जल्द वो दिन आएगा, लेकिन अभी फिर लग तो मैं मानोर के मिशन पर हूँ। बस आप दुआ करें कि मुझे इस मिशन में कामयाबी मिले, और फिर यकीन करें मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, फिर चट मंगनी पड़ गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जीते रहो खुश रहो। बेटा मैं कह रही थी कि तुम अपने साथ मानोर को ले जाओ ताकि इसकी तड़पती ममता को देखकर उनका दिल पसीज जाए। जी दादो, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं जाते हुए मानूर को साथ ही ले जाऊं, अच्छा हो जाएगा, और ये फ्लू व्लू कुछ नहीं होता, सुबह तक ठीक हो जाएगी। आप आराम कीजिए। तुम भी आराम करो बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए। जीते रहो। गुड नाइट। गुड नाइट। ऐसी क्या बात है इस अनजान लड़की में, क्यों मुझे इससे अपनाइयत महसूस होने लगी? बात का इंतजार कर रही हूँ, नसीम उसे बुलाने गई है, वो आ जाएगा तो फिर नाश्ता करूंगी। अच्छा माँ, मैं आपसे ये बात कर रही थी कि वो लड़की इबाद के लिए बहुत अच्छी रही। मेरी बात सुनो फायजा, मुझे लगता है इबाद अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा। कौन? कहीं वो लड़की तो नहीं जो आपकी केयर टेकर है, आपके घर में रह रही है? और अगर वो उससे शादी कर लेगा तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। अरे माँ कैसी बात कर रही हैं आप, उस लड़की का कुछ पता नहीं है, बैकग्राउंड क्या है, वो तलाक याफ्ता है, एक बच्चे की माँ है, ये बात उसे कैसे पसंद कर सकता है? ये सब तो है फायजा, लेकिन वो लड़की बहुत नेक और अच्छी बच्ची है, उसके साथ। अम्मा ये आप कैसे कह सकती हैं, ना उसका आता पता है, ना उसके खानदान का पता है, और 2 माह में उसको शोहर ने तलाक भी दे दी,
और बच्ची भी उससे कोई छीन कर ले गया। अरे कोई तो अच्छी बात बताएं उसमें, कोई एक बात तो ऐसी हो जो अच्छी लड़कियों वाली हो। वो लड़की मेरे साथ बहुत दिनों से रह रही है, अंदाजा हो जाता है कि वो किस खानदान की है। मुझे तो लगता है वो किसी बहुत अच्छे खानदान से है। बस करें अम्मा उसकी तरफदारी, अरे मेरा तो दिल ही खराब होकर रह गया। इतने अरसे बाद इबाद ने पहली बार किसी को पसंद भी किया तो खुदा ना ख्वास्ता। अगर इस लड़की को पसंद किया तो माँ आपको उसे समझाना चाहिए था, और अगर आपके समझाने से भी इबाद नहीं समझ रहा ना तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम दिल खराब मत करो फैसा, किसी बातें कर रही हो। बस करें अम्मा, मैं आपसे किसी दिन और बात करूंगी। अब प्लीज मेरी बात माने ना तो उसे इस घर से निकाल दे, ये लड़की किसी मुसीबत का सबब बनेगी। दादी आपका नीचे नाश्ते पे वेट कर रही। अरे आपने क्यों ज़हमत की, मैं बस आ ही रहा था। ये जवेरिया आशिम और हाशिम है, इनका एड्रेस हमें मिल गया है, हम इकट्ठे इनके पास जाएंगे जिनके पास आपकी बेटी है। बाय द वे इन्होंने आपकी बेटी का नाम नूरुल आइन रखा। आप जानती हैं यकीनन ये भी इसकी कोई नई साजिश है मुझसे मेरी बच्ची छीनने की, लेकिन यही नहीं जानता कि मुझसे मेरी बच्ची कोई नहीं छीन सकता, उसका बाप भी नहीं। बाप? कौन बाप? मेरी मालूमात के मुताबिक हाशिम साहब ऑफिस में काम करते थे, इस्लामाबाद में इन दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद जवेरिया के वालिद का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से ये लोग कराची शिफ्ट हो गए थे। अलामिया का दिया सब कुछ था, क्योंकि जवेरिया के वालिद बहुत अमीर आदमी थे, जवेरिया उनकी इकलौती बेटी थी। बस अलामिया ने उनको औलाद की कमी से महरूम रखा। बस मैं मजीद कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं एक मिनट के लिए भी अपनी औलाद उस इंसान के पास नहीं छोड़ूंगी, अभी और इसी वक्त फौरन उसके पास जाना चाहती। और अगर आप मुझे लेकर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। कातिल है वो शख्स, मुझे जीते जी जिंदा लाश बनाया उसने, मैं उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं करूंगी। देखिए देखिए सुनिए, प्लीज प्लीज रिलैक्स हो जाइए, अभी मुझे मौका तो दीजिए ताकि मैं इस मामले को समझ सकूं। अपने आप को संभालिए। नहीं रुक सकती मैं, आप जानते भी हैं कि वो शख्स कौन है। वो शख्स मेरा शोहर है, ये वही शख्स है जो कि मुझे एक अनजान शहर में गेस्ट हाउस में अकेला छोड़कर भाग गया था, और मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरी औलाद का बाप है वो। ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं इस पूरे मामले को संभालूंगा, आप प्लीज परेशान मत हो। देखिए मैं अभी और इसी वक्त वहां जाना चाहती हूँ, मैं अपने कत्ल का हिसाब लेना चाहती हूँ उससे, चाहे वो जितने भी बड़े शख्स का दामाद क्यों ना हो, उसका गिरेबान पकड़ के एक एक लम्हे का हिसाब लूंगी मैं उससे।
अगर तो हाशिम आपके साहब का शौहर है तो फिर तो हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे, हमारे सारे मामलात बहुत आसान हो जाएंगे। आप प्लीज खुद को संभालिए, परेशान मत हो, आप यहां बैठिए, मैं आपके लिए पानी मंगवाता हूं। अस्सलाम वालेकुम फारूक। अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, वो मैंने मानूर का बताया था ना आपको, जिनकी बेटी का मसला चल रहा था। जी जी, बैठे बैठे। अच्छा, जी मैंने आपका केस स्टडी किया है, इनको कोई मसला नहीं होगा। प्लीज बस जल्दी से मेरी बच्ची को मुझे दिलवा दे, पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी वो। बाद मैंने अपनी कंपनी के बेस्ट लॉयर को ये केस असाइन किया है। तुम कॉन्फिडेंट तो हो ना? 100%। इंशाल्लाह आपकी बेटी आपको जल्द वापस मिल जाएगी। सुला दिया? अच्छा, ये सुबह कुरियर से आया था, मैं देना भूल गई थी। क्या है ये? कॉफी पियोगे? हाँ प्लीज यार, लेकिन तुम्हारे हाथ के। मैं भी लेकर आई। Is everything okay? हाँ, सब ठीक है। कुछ छुपा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बस वो ऑफिस की कुछ चीजें हैं। तो दिखाओ मुझे इसमें क्या है। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। I wanna see, दिखाओ। What rubbish! ये सब क्या है आशिम? Don't worry, मैं इसको handle कर लेता हूँ। लाओ चलो, दो लाओ। अच्छा, फिर क्या बोला? सही, ठीक है, मैं कर दूंगा फोन उसको। ऑफिस क्या हो गया? ये लीजिए। क्या है ये? ये आपकी लाडली हरीन की हरकत है। मैं छोटी बहन समझ के उसके लिए रिश्ते तलाश कर रही हूँ। अम्मी ने एक रिश्ता बताया था, कहा था शरीफ लोग। मैंने जब हरीन से बात की तो उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, उल्टा तस्वीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े करके मेरे हाथ में थमाई और मुझे कमरे से निकाल दिया। पता नहीं क्या जिद लगा ली उसने मेरे साथ। ये भी अपनी बड़ी बहन के नक्शे कदम पर चल रही है।
मगर मैं लोगों को दोबारा खुद पर हंसने का मौका नहीं दूंगा। तुम बुलवाओ इन लोगों को, मैं रिश्ता पक्का करूंगा। मैं इसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। कबीर, मैं तो उन्हें बुलवा लूंगी, लेकिन आप एक मर्तबा फिर सोच लें। छोटे साहब जी, वकील साहब आए। ठीक है, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। ठीक है जी। वकील साहब को बुलवाया था वसीयत के लिए। चले, अच्छा है। भाई साहब की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, अच्छा है ये काम हो जाए। जी आप उसका जवाब देंगे, आप नोटिस तैयार कीजिए। वैसे भी कोई केस बनता नहीं है, क्योंकि हमने तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके ये बच्ची अडॉप्ट किया। ये बच्ची हम किसी के हवाले नहीं करेंगे। और वकील साहब, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि किसी भी हाल में ये केस हम हारने नहीं चाहिए, जीतना होगा। बाहर खड़े और उसका कत्ल हो गया। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें। हम टीवी के एंकर इबास शहरियार पर हरेसमेंट का इल्जाम लगाने वाली लड़की नैना का कत्ल हो गया है। अभी तक इस बात का कुछ पता नहीं चला कि कातिल कौन है। जी नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज, नैना जिसने इबास पर हरेसमेंट का इल्जाम लगाया था, उसका आज कत्ल हो चुका है। किसने किया है इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं। हो सकता है कि कत्ल जाती दुश्मनी की वजह से किया गया, और अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि नैना का कत्ल किसने किया है। मेरी कोर्ट से अपील है कि अच्छे से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए और मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिया, जिया प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। मैं उसकी माँ के पास खुद जाऊंगा, उससे पूछूंगा कि उसको जितने पैसे चाहिए वो ले ले, लेकिन हमें अपनी बेटी दे दे प्लीज। नहीं आशिम, कोई माँ अपनी बेटी का सौदा नहीं करेगी, वो नूर हेलेन को हमसे छीन लेगी। जिया प्लीज संभालो। मुझे मुझे कुछ नहीं सुनना आशिम, मुझे मुझे नूर हेलेन चाहिए। तुमने तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला। जिया प्लीज संभालो अपने आप को, रिलैक्स करो। मैं वकील से खुद बात करूंगा। अगर नूर हेलेन लावारिस है और उसकी माँ जिंदा है और वो चाहती है अपनी बेटी को, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम दूसरा बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे ना। मुझे कोई और नहीं चाहिए आशिम, मुझे सिर्फ नूर हेलेन चाहिए। अगर अगर मुझे नूर हेलेन नहीं मिली ना, मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दे सकती। मैं अपनी नूर हेलेन किसी को नहीं दे सकती। मुझे मुझे सिर्फ नूर हेलेन चाहिए आशिम। मैं अपनी जान दे दूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज। Oh!